नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पाउज तो ये होता है आपका डैश ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है प्लीज़ डैश योर डॉग तो ट्वेंटी सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी रिस्ट्रेन प्लीज रिस्ट्रेन योर डॉग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अमंग हिज स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है हेपीनेस इसमें इसका हमने करेक्ट ऑपोजिट वर्ड इन मीनिंग क्या होगा तो ट्वेंटी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ग्रीफ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी है इन द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड तो थर्टी का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी नो डिटरमाइनर अगला प्रश्न है फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ट तो यानी कि हैपेंड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ऑप्शन सी एच ए डब्ल्यू पी ई एन ई डी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैपेंड की ये करेक्ट स्पेलिंग है अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब टू तो फिल इन द ब्लैंक तो ये है आई हैव टोल्ड यू डैश तो डैश में आएगा थर्टी टू का राइट आंसर होगा आपका आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी डैश ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक तो थर्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सी बाउ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है नेहा सेट टू ईशा वुड यू प्लीज ओपन द विंडो इन द अब सेंटेंस नेहा इज थर्टी तो फोर का करेक्ट आंसर है मेकिंग ए रिक्वेस्ट कर रही है ईशा से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है चूज द सेट ऑफ वर्ड्स विच आर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो थर्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सबसे पहले आएगा आपका सेलिब्रेशन सेलिब्रिटी सेंटर एंड सेंटीमीटर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है लाइफ इज द लाइफ इज द टास्क वेयर मैनी शेयर द टोल फाइंड आउट दिनोनियम ऑफ टोल टोल का जो सिनोनियम होता है वो होता है आपका वर्डन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है सेलेक्ट इन द करेक्ट वर्ड मीनिंग प्रीफिक्स इन तो थर्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका, option A, different. अगला है आपका ऑप्शन ए डिफरेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है चूज द कुरेक्ट फ्रेस कैन दे गो शॉपिंग विदी आई विश दे डैश वे दू नो तो इसमें ना तो थर्टी एट में फिलिंग ब्लैंक्स में क्या आएगा थर्टी एट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुछ प्रश्न है चूज द कुरेक्ट वर्ड तो थर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी आफ्टर डेथ इसका मतलब होता है ये होता ऑप्शन डी थर्टी नाइन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेसिव नॉन तो ये कौन सा होता है फोर्टी का ये है आपका हिज हिज जो है पोसेसिव नॉन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है यूज करेक्ट एडजेक्टिव मोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास तो फोर्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वाइजेस्ट यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुरेक्ट प्रोबर्ब ग्रामेटिकली तो फोर्टी टू का जो राइट आंसर है वो God help those, who help? Themselves, themselves. Next है तो वो आपका गोड हेल्प दूस वैप्स थे नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश ए सी तो फोर्टी थ्री का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी आई हैव मैनी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन टू पे बॉयस नैवर टेल ए लाई तो फोर्टी फोर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी हमने फोर्टी फाइव का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सी की स्पेलिंग होती है एस ई एन आई ओ आर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनोनियम सिनोनियम ऑफ इसेंशियल इज तो एसेंशियल का जो सिनोनियम होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी नेसेसरी अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन माय ग्रांड फादर वॉक्स एवरी डैश तो डैश में आएगा आपका फोर्टी सेवन में सी फास्ट माय ग्रांड फादर वॉक वेरी फास्ट अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर तो फोर्टी एट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन वी वाई डिड सी लीव सो अर्ली ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला प्रश्न है फोर्टी नाइन फिल इन द ब्लैंक्स विद कुरेक्ट वर्ड ऑफ कुरेक्ट स्पेलिंग प्लीज़ गिव मी ए डैश ऑफ पेपर तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन बी प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ ए पेपर पीस ऑफ पेपर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट वर्ड ऑफ सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टेक केयर नोट टू गेट हर्ट विद स्टेम्स फॉर्म ऑफ द किटल तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें थैंक यू फ्रेंड्स